हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में। बच्चों मैं आनंद देव, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट फाइव ह्यूमन फिजियोलॉजी है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बच्चों डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आज का जो लेक्चर है वो है डिसऑर्डर के बारे में। आज बच्चों डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हेडिंग पढ़ा हुआ है वो है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो देखते हैं बच्चों, टोटल 5 डिसऑर्डर बताया गया है लेकिन कुछ करेक्टर बताया गया। पहले हम लोग देख लेते हैं, लिखा हुआ इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक। जब इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल इंफेक्शन। जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जैसे बैक्टीरियल और वायरल, ये सब के सब क्या करा देते हैं, ये सब के सब इंफेक्शन करा देते हैं हमारे कहां पे, इंटेस्टाइन में। बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लाइन हम लोग को क्या बताती है, कराज द इंफेक्शन आर ऑल्सो कॉज्ड बाई पैरासाइट्स। ये इंफेक्शन पैरासाइट्स भी कराते हैं ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स के कुछ नाम दिए गए हैं जैसे टैप वार्म, राउंड वार्म, थ्रेड वार्म, हुक वार्म और पिन वार्म। फिर से सुन लीजिए, कुछ पैरासाइट्स के नाम दिए गए हैं जैसे टैप वार्म, राउंड वार्म, थ्रेड वार्म, हुक वार्म और पिन वार्म। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बच्चों, पहले नंबर पे जो डिसऑर्डर है वो है जॉइंटिस। जॉइंटिस में क्या अफेक्ट होता है, हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो लिखा हुआ है लीवर इज अफेक्टेड। जॉइंटिस के केस में लीवर अफेक्ट हो जाता है। कुछ करेक्टर दिए गए हैं जैसे क्या, स्किन और आईज क्या हो जाते हैं, येलो कलर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिपोजिशन हो जाता है किसका बच्चों, बाइल पिगमेंट्स का। फिर से देखिए, जो पहला डिसऑर्डर है वो है जॉइंटिस। जॉइंटिस में लीवर अफेक्टेड होता है, स्किन और आई हमारे येलो हो जाते हैं क्योंकि बाइल पिगमेंट्स का इसमें क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो हमारा है सेकंड नंबर पे वो है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के केस में क्या होता है बच्चों, वॉमिटिंग के केस में पहला करेक्टर जो है कह, इट इज इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। माउथ के थ्रू जो है जो स्टमक के कंटेंट्स होते हैं वो बाहर की तरफ आते हैं या आ जाते हैं। आगे देखिएगा, दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाई, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है किसके कंट्रोल में होता है, वॉमिट सेंटर। और हम लोग जानते हैं बच्चों वॉमिट सेंटर किसे कहते हैं, मेड्यूला को बोलते हैं बच्चों। आगे देखिएगा और क्या फील होता है, करा फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग। और जो है वॉमिटिंग होती है, नोजिया की फीलिंग होती है बच्चों हम लोगों को। तो दूसरा करेक्टर जो था वो किसका था, वॉमिटिंग का था। इसमें क्या होता है, इसमें इजेक्शन हो जाता है, स्टमक के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं माउथ के थ्रू बाहर हो जाते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है वॉमिट सेंटर से, इसका नाम है मेड्यूला। और उसके बाद फीलिंग हमको कैसा होता है, नौजिया की फीलिंग होती है वॉमिटिंग से पहले। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, तीसरे जो डिसऑर्डर है वो है डायरिया। डायरिया भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। डायरिया लिखा हुआ है द नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट। बॉल मूवमेंट बता रहा है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है एंड इंक्रीज बढ़ जाता है लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर। फीकल मैटर में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। इस तरीके के डिस्चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डायरिया बोलते हैं। इट इज रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ जो फूड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। फिर से देख लेते हैं डायरिया के केस में क्या होता है, कह रहा है डायरिया जो होता है एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है, बॉल मूवमेंट होता है इंक्रीज हो जाता है लिक्विडिटी डिस्चार्ज, फीकल मैटर में लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है और डिस्चार्ज बहुत तेजी के साथ होने लगता है और इसी को हम लोग डायरिया बोलते हैं। इसमें जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है, जो हम लोग का नेक्स्ट डिजीज है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कह रहा है इन कॉन्स्टिपेशन द फेसेस आर रिटेन विद इन द कोलोन। कोलोन के अंदर फेसेस रिटेन हो जाते हैं एंड बॉल मूवमेंट्स अकर इनरेगुलरली, और जो बॉल मूवमेंट्स होता है वो इनरेगुलर हो जाता है। फिर से देखिएगा, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में फेसेस जो होते हैं रिटेन हो जाते हैं कोलोन में और बॉल मूवमेंट जो होता है बच्चों कैसा हो जाता है, इनरेगुलर हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज हम लोग देखते हैं, फिफ्थ वाला डिजीज और लास्ट डिजीज है जिसका नाम है बच्चों क्या, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन के केस में देखते हैं क्या होता है। देखिए
लिखा हुआ इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट, इस कंडीशन में फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फॉलनेस। और इसमें क्या होती है, कैसी फीलिंग होती है, फॉलनेस की फीलिंग होती है, हम लोग को पूरी तरीके से फूड डाइजेस्ट होता नहीं है तो हम लोग को फॉलनेस की क्या होती है, फीलिंग होती है। आगे देखिए क्या है, द कॉज ऑफ इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, और यहाँ पे अपर्याप्त एंजाइम का सिक्रेशन होता है, एंजाइटी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग होने के चांस होते हैं, ओवर ईटिंग से भी हो सकता है एंड स्पाइसी फूड खाने से ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर देखिए इनडाइजेशन में क्या होता है, इस कंडीशन में पूरी तरीके से फूड डाइजेस्ट नहीं होता है जिससे हमको फॉलनेस की फीलिंग आती है। उसके बाद क्या होता है, इनडाइजेशन के दौरान एंजाइम का सिक्रेशन सही से नहीं होता है, एंजाइटी की फीलिंग होती है, फूड पॉइजनिंग होने के चांस होते हैं, ओवर ईटिंग से ये सब होता है, स्पाइसी फूड खाने से इनडाइजेशन का केस होता है। बच्चों ये डिसऑर्डर हम लोग का हो गया है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ढेर सारा शेयर करिए, जिससे हम और अच्छे अच्छे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपको सिखा सकें और ढेर सारे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ढेर सारे हम जो है थ्योरी आपको बता सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।